Haan, assalamu alaikum dear students. So you have the most welcome in this online lecture series, and in my first lecture I give you a brief sketch about what is meant by partial differential equation, hai na? To maine aapko kaha tha ki jo aapka unit number first hai, that is ODE, ordinary differential equations, aur jo unit number fourth jo aap logo ne recommend kiya, that is partial differential equations. To us din maine aapko bataya tha ki actually hamare paas ek function rehti hai, z is equal to f of x comma y. इसमें हम लोग z को मानते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल यूजुअली, और एक्स वाई को ट्रीट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना. फिर आप लोग ने कहा था सर डेल z बाय डेल x या डेल z बाय डेल y, जिनके लिए नोटेशन है हमारे पास p और q, दीज आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, है ना. और आप लोग ने कहा था कि अगर डेल स्क्वायर z बाय डेल x स्क्वायर या डेल स्क्वायर z बाय डेल x डेल y या बेटा डेल स्क्वायर z बाय डेल y डेल x या डेल स्क्वायर z बाय डेल y स्क्वायर, दीज आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. डेल स्क्वायर z बाय डेल x स्क्वायर या डेल स्क्वायर z बाय डेल x डेल y, डेल स्क्वायर z बाय डेल y डेल x या डेल स्क्वायर z बाय डेल y स्क्वायर, दीज आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. दीज आर डिनोटेड बाय सिंबल r, s या बेटा t, है ना. तो दीज आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, दीज आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. तो उसके बाद आप लोग ने कहा था कि इफ वी हैव एन इक्वेशन लाइक दिस, p + q इक्वल टू 0, सर दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, कि आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो इसको कहते थे लीनियर. लेकिन फिर मैंने आपसे कहा अगर आपको ये मिलेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आप लोगों ने कहा दिस इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बट ऑफ डिग्री सेकंड, ठीक. तो बेटा ये दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर. नाउ जो आज हमारा टॉपिक है ना, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अगर हमें कंस्ट्रक्ट करनी है ना एक पार्शियल डिफरेंशियल, दैट इज जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पीडीई, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको कुछ लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडीई, अगर हमें बनानी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास यूजुअली दो वेज है, टू मेथड्स है. वन इज बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स. हमारे पास एक फंक्शन दी होगी से लाइक दिस, हमारे पास फंक्शन है फाई एक्स वाई जी और ए कॉमा बी इक्वल टू 0. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस गिवन इक्वेशन, जिसमें हमारे पास x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो z है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, a और b क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट. हमें इन आर्बिट्री कांस्टेंट को इवॉल्व एलिमिनेट करना है, वी हैव टू एलिमिनेट दिस एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए पीडी. तो हमारे पास जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, एलिमिनेट करेंगे a वे, वी गेट ए इक्वेशन या पार्शियल लाइक दिस f ऑफ x y p एंड q इक्वल टू 0, बिकॉज p स्टैंड्स फॉर डेल z बाय डेल x, q स्टैंड्स फॉर डेल z बाय. तो जो यहां से हमें इक्वेशन मिलेगी ना, दैट्स कॉल्ड पार्शियल डिफरेंस बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट. इन द सेम मैनर देयर इज अ सेकंड मैटर, दैट इज एलिमिनेशन, दैट इज एल बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन, आर्बिट्री फंक्शन. तो जो दूसरा मेथड है ना बेटा, हमारे पास होगी एक इक्वेशन जिसमें हम लोगों को एलिमिनेट करना होगा आर्बिट्री फंक्शन. तो देयर विल बी लाइक दिस, हमारे पास होंगे फंक्शन यू एंड वी, दिस यू विल बी द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वाई एक्स कामा वाई एंड जो ये वी है ना, दिस वी आर फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई. तो जो दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, एफ ऑफ यू कामा वी इक्वल टू 0, एफ ऑफ यू कामा वी इज इक्वल टू 0. तो बेटा हमें इसको इन u और v को एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए जो जनरल है ना डिफरेंशियल इक्वेशन पीडी जो हमें मिलेगी, दैट इज ऑफ द फॉर्म दिस, पीपी पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर. जो ये p है, ये q है, ये r है. तो जब मैं आपको ये मेथड सिखाऊंगा तो तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. अभी हम लोग कंसंट्रेट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीडी बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट. तो देखो बेटा, तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पीडी पार्शियल बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री. देखो बेटा, हमारे पास से क्वेश्चन लाइक दिस है,
कि वी हैव गिवन ए फंक्शन z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी है ना. यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट. तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें जो कांस्टेंट है दैट इज ए एंड बी, आपको इनको रिमूव करना है. तो आपने कहा कि अगर हम सर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा है, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो जो वाई वाले टर्म्स है दैट इज कांस्टेंट. तो आपने कहा सर यहां से मिलेगा हमें डेल जी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू शायद एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि एक्स की वन इसकी जीरो इसकी जीरो है ना. तो बेटा लेकिन जो डेल जेड बाय डेल एक्स है इसको आप क्या कहते हैं पी. तो आपने कहा ए का जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर मिला पी के बराबर. सिमिलरली आपने कहा अगर हम करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये मिलेगा हमें डेल जी बाय डेल वाई तो वो मिलेगा बी. तो इसको कहते हैं क्यू, क्यू किस वैल्यू मिला हमें बी. तो आपने कहा यूज ए A is equal to P and B is equal to Q in equation first. तो बेटा मुझे बताना जी क्या मिला आपको PX plus PY QY plus PQ यही मिला ना. yes, sir. मुझे बता सकते हो आप P क्या है partial derivative with respect to X, Q है partial derivative with respect to Y. तो बेटा जो equation मिलेगी ये क्या मिलेगी partial differential. तो वही कहा था ना आपने हमने एलिमिनेट किया आर्बिट्री कांस्टेंट को वहां से हमें मिली एक पार दिस बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट. एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको सी अनदर एग्जांपल. सपोज बेटा आपने कहा मेरे पास इक्वेशन लाइक दिस z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना बेटा. तो इसमें आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और बी, तो आपको इनको रिमूव करना है किसको ए और बी को एलिमिनेट. तो आपने कहा अगर हम करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरी गुड, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिलेगा डेल जी बाय डेल एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर की क्या आएगी 2x, तो एक्स तो ए ए की जीरो और वाई स्क्वायर प्लस बी एज इट इज बिकॉज बेटा यू वी फॉर्मूला फिर प्लस. अब आपने x square plus a square को as it is रखा, तो हम कर रहे हैं बेटा partial किससे x से, तो y वाले term का क्या आएगा zero. तो आपने कहा सर मुझे मिला del z by del x किसके बराबर 2x into y square plus b square है ना. लेकिन del z by del x को क्या कहते हैं p, p is equal to 2x into y square plus b square है ना. आपने कहा p divided by 2x मुझे मिला y square plus b square ठीक है ना. अब आपने कहा पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो क्या मिलेगा आपको डेल जी बाय डेल वाई इक्वल टू इसकी डिफरेंशिएट बेटा जीरो, जीरो क्योंकि हम वाई से कर रहे हैं. आपने कहा जीरो इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एट इज इज वाई स्क्वायर की आएगी टू वाई है ना. तो आपने कहा डेल जी बाय डेल वाई क्योंकि के ये हमें मिलेगा 2y और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना बेटा. आपने कहा q डिवाइड बाय 2y मुझे मिला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. बेटा यूजिंग वैल्यू ऑफ y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इन फर्स्ट है ना. तो बेटा आपने कहा फ्रॉम फर्स्ट z इज इक्वल टू p डिवाइड बाय 2x इनटू q डिवाइड बाय 2y है ना. आपने कहा सर 4 टाइम्स xy z 2 टू द रो ना 4 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू पी क्यू. बेटा मुझे बताना पी क्या है, पी क्या है पार्शियल डेरिवेटिव, क्यों भी क्या है पार्शियल डेरिवेटिव. जो ये इक्वेशन है ना ये मिल गई ना आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन आपको कहीं ए और बी मिला नहीं ना. दिस इज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट पीडी बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट. तो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडी बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन. ठीक है बेटा आज के लिए इतना काफी. ओके अल्लाह.